क्या भैया, अभी तक तांबा नहीं आया। इंसान समय के साथ चलता है, समय इंसान के साथ नहीं। भाई भाई, लगता है जिंदा है। भाई जल्दी उठाओ। सामा, चलो घर चलो। मेरा प्यारा सामा मर गया, मेरा सामा मर गया, मेरा जिगर का टुकड़ा मर गया। उसको मारने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, हजारों आदमियों को भेजा, लेकिन सबके सब वापस आ गए। लेकिन भगवान की कृपा से सामा ने ताकत पर भरोसा किया और मैंने भगवान पर, इसलिए वो मेरे हाथों मारा गया। हे भगवान, तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे खुशी के मौके पर अगर ये न्यूज मिल गया कि सांबा जिंदा है तो क्या होगा? क्या बकवास करता है, कैसे बचेगा वो, कैसे बचेगा वो? भाई भाई भाई, सांबा अभी भी जिंदा है, उसका इलाज उसके घर पे ही चल रहा है। नहीं नहीं, वो कैसे बच सकता है? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो भाई? ए भाई, अपना सर बाद में फोड़ना, पहले वहाँ भाग चलते हैं जहाँ से आए हैं। खा ले बहन, खा ले। पिताजी, आप पढ़ाई को इतना महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि मुझे उसका मूल्य पता है। डॉक्टर साहब, जरा इधर आइए। अभी कैसा है सांबा? अभी ठीक है, मगर खून बहुत ज्यादा बह गया है। तो हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दीजिए। उसको यहाँ से ले जाना सेफ नहीं है, उसे कुछ हो गया तो जनता को कंट्रोल करना मुश्किल है। उम्र में छोटा ही सही, पर लोगों के लिए वो भगवान है। एसपी साहब, आप कहते हैं वो भगवान है, भगवान की कभी मौत होती है क्या? डॉक्टर की दवा से ज्यादा लोगों की दुआएं काम आएगी। वो जिएगा, वो जरूर जिएगा, वो जिएगा। बहुत दिनों के बाद तेरे मंदिर में मैंने दीपक जलाया, क्यों पता है तुझे? क्योंकि तूने हमारे घर का चिराग बुझने से बचाया। मेरे पोते को बचा ले भगवान, वो हजार लोगों के घर का चिराग जलाएगा। दादी माँ, मेरा नाम संध्या है, मैं एसपी मोहनदास की बेटी हूँ। मैं और नंदिनी साथ में मेडिकल कॉलेज में पढ़ा करती थी। नंदिनी से सांबा के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था। उन लोगों ने सांबा को इतनी बेरहमी से मारने की कोशिश क्यों की, ये बताइए दादी माँ। सांबा इतना कठोर और इतने क्रूर दिल का इंसान कैसे बन गया दादी माँ? सांबा का मन बहुत कोमल था बेटी, लेकिन उसी सांबा को हालात ने कठोर बनने पर मजबूर कर दिया। मेमोरियल कॉलेज के कैप्टन मिस्टर सांबा और सिटी कॉलेज के कैप्टन मिस्टर राजीव सांबा शिवा, मेमोरियल कॉलेज के कैप्टन मिस्टर सांबा शिवा चौधरी। सिटी कॉलेज के कैप्टन मिस्टर राजीव। उधर रेड ड्रेस पहनी लड़की को देख, अच्छी है, बहुत अच्छी है। वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैंने उसे कब जीतने का वादा किया है। ये मैं शारजा, सेफ रहेगा बच्चू। ए, मैंने भी अपने ऊपर बैठे दादाजी से प्रॉमिस किया है कि जिंदगी में कभी हारूंगा नहीं, और सामा ने अभी तक अपना वादा निभाया है। हारने को तैयार रहो या पीछे मुड़कर चलते बनो।
एसपी साहब, ये हमारे कॉलेज का हीरो है। पढ़ने में, लड़कियों को रुलाने में, मस्ती करने में सब में नंबर वन है। तुम धनराज जी के बेटे हो ना? जी हाँ सर। मैं तुम्हारे पिताजी को जानता हूँ, वो बहुत नेक दिल इंसान है, इस तरह उनका नाम रोशन करो। धन्यवाद सर। क्या रे, रास्ता क्यों रोका? कब देकर जा? हारने वाले को कप नहीं चप्पल मिलती है, हट पीछे। कब दे जा? ये ऐसे मानने वाला नहीं है, बजा दोगे। बेकार पंगा लेने में क्या फायदा, हम ही साइड हो लेते हैं। बजा दो इनका बैंड। क्या रे, बच के भाग रहा है? क्या कहा, जल्दी में था इसलिए जा रहा था, समझे? गलतफहमी में मत रहना कि भाग रहा हूँ, इस ट्रेन को निकलने में 4 मिनट लगेंगे, तब तक तुम्हारा गेम बजा देता हूँ, आ जाओ। कॉलेज में पढ़ता है इसलिए इस बार छोड़ रहा हूँ, लेकिन दोबारा मेरे रास्ते में आया तो जिंदा काट दूंगा, याद रखना। क्या मारा कंवर जी, अब तो वो किसी ट्रीटमेंट के काबिल भी नहीं रहे। अच्छा हुआ मैंने उनको मार दिया, अगर यही हालत उन्होंने मेरी की होती तो ये बताओ कि उस समय मैं क्या करता। तुम्हें कौन मार सकता है कंवर जी? मान लो किसी ने मुझे मार दिया, मैं जिंदगी मौत से खेल रहा हूँ, तुम तो डॉक्टर बनने वाली हो ना, बताओ क्या करूँगा? ऐसे वक्त में हिम्मत से काम लेना चाहिए, कोई पानी दे तो पानी नहीं पीना चाहिए, और इस बात पर खास ध्यान देना चाहिए कि जहाँ से खून बह रहा हो वहाँ पट्टी बांध लेनी चाहिए, और वैसे भी तुम्हारी बॉडी को क्या हो सकता है। क्या कर रही हो? दिन दिन दिनक दिनक दिन दिन
की सांसों में तेरी खुशबू, आंखों में चेहरा तेरा। सादगी ने मुझे छुआ, दीवाना यार मैं तेरा हुआ। बस अब तो मांगू मैं यही दुआ, छूटे कभी ना ये संग तेरा। वादा है जाने जा, वादा है जाने जा, हम मर के भी होंगे ना जुदा। धिन 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 धिनक धिनक धिन धिनक धिन धिन, मेरे सांसों में तेरी खुशबू, आंखों में चेहरा तेरा। मेरी जान हो, मेरा अरमान हो, तुम मेरी जिंदगी मेरी पहचान हो। जहाँ भी जाऊँ मैं तेरा ही साथ हो, कभी एक पल भी मुझसे होना ना खफा। जीजा जी, आप पूरे पैसे इस बंजर जमीन पे लगा रहे हैं, क्या ये उपजाऊ बनेगी? तुम इसे बंजर समझ रहे हो, मगर मैं इसे सोना समझता हूँ। देखना, यह जमीन एक दिन बहुत उपजाऊ बनेगी। इसके फसल आएगा, उससे मैं यहाँ के सभी बच्चों को शिक्षा दिलवाऊंगा। क्या रे, सुना है कि सिनेमा हॉल के मालिक को मारा तूने? फिल्म देखने गया तो टिकट मांग रहा था। अरे टिकट मांगेगा ना, मार देगा क्या? मर जाता तो? मरने के लिए ही तो मारा था। सुना है तेरा बाप बंजर जमीन खुदवाने में पूरा पैसा लगवा रहा है, अगर ऐसा ही करता रहा ना तो कंगाल हो जाएगा, भीख मांगेगा। अरे कुछ नहीं भाई, वो घर में नई काम वाली आई है, उसके साथ अपना छोटा मस्ती कर रहा होगा। ए, तू किधर जा रही है? उसका काम है करने दे। तेरे ससुर ने दहेज देकर तेरी से शादी करवाई है ना, इतनी सुंदर बीवी दी है, लेकिन फिर भी तू है कि उस बंजर जमीन के पीछे पड़ा हुआ है। आखिर तुझे इस मामले में बात करने की क्या जरूरत है? अगर वो रोड पर आ गए ना तो हमारे सर पर बैठेंगे। गुस्से में चली गई, तेरी बीवी को भी बहुत अकड़ है। वैसे भी तेरा ससुरा और साला है ना, कभी भी भीख नहीं मांगेंगे। खाना खाना, इसे खाना दो। क्या रे, लड़की कैसी है? अच्छी है जानकी। रो मत बहन, ससुराल में हमें सुख मिले इसके लिए किस्मत चाहिए, जो सब औरतों की नहीं होती। इधर जो भी होता है उसे पेट में छुपाना चाहिए, नजर नहीं आना चाहिए। मुझे कुछ भी बोले तो ठीक है दीदी, लेकिन मेरे पिताजी और भाई ने क्या गुनाह किया है बोलो? उन्होंने तुम्हें इस घर में ब्याह कर भेजा है, यही उनका सबसे बड़ा गुनाह है। जब माँ बाप घर वाले बेटी की शादी करते हैं तो बड़ा घर देखते हैं, ये देखने की कोशिश नहीं करते बड़े लोगों के सीने में दिल है या नहीं। सब जान के खामोश रहते हैं। अरे यहाँ पर तो छुट्टियाँ खत्म हो गई है, मगर मैं नहीं आ सकती, प्रैक्टिकल्स चालू हो गए हैं। मगर मेरा कंवर जी के साथ अभी तक प्रैक्टिकल शुरू ही नहीं हुआ। डॉक्टर बनकर गले में स्टेथोस्कोप डालने से बेहतर है कंवर जी मेरे गले में मंगलसूत्र बांधे। फिर से शुरू कर दी ना अपने कंवर जी की रामायण। अरे तुम्हें ये रामायण लगता है? अगर मेरे कंवर जी जैसे तुम्हारे पास होते तब तुम्हें पता चलता। एक बार जरा अपने कंवर जी को फोन देना, मैं यहाँ से उनकी आवाज सुनकर पता लगाती हूँ कैसे हैं तुम्हारे कंवर जी। मैं फोन नहीं दूंगी क्योंकि तो चालू है। बकवास बनकर फोन दे। कंवर जी, मेरी सहेली आपसे बात करना चाहती है। हेलो, सांबा शिवा रेड्डी? पता है, सांबा शिवा रेड्डी, आपको सब सांबा कहकर पुकारते हैं। सुबह 5 बजे उठकर आप 7 बजे तक एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद नहा धोकर आप नाश्ते में दाल खिचड़ी खाते हैं और उसके बाद आप कॉलेज जाते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं खाता। मुझे सब कुछ पता है, झूठ मत बोलिए। आप हर रोज कॉलेज से आने के बाद सबसे पहले बैठकर खीर खाते हैं, है कि नहीं? ठीक कहा, और अभी भी खीर खाता हूँ। सुनो, अगर प्रोफेसर की बात इतने ध्यान से सुनोगी तो पढ़ाई में आगे बढ़ोगी। और सुनो, लड़कियों को इस तरह अनजान लड़कों से फोन पर बात नहीं करनी चाहिए। हा? सुनो जी, ये दोबारा फोन करे तो मुझे मत देना, ठीक है? प्लीज। ओके। क्यों रे,
कैसी है फिनिशिंग टच? तेरे कवर जी की आवाज बहुत प्यारी है, सोचती हूँ कि एक दिन तेरे कवर जी को लेकर मैं घूमने जाऊँ। छिछी बेशरम, चल फोन रख। नंदिनी बहुत लकी है, उसे सांबा जैसा पति मिल रहा है जो सही मायने में अच्छा इंसान है। नंदिनी को पटाकर उसके कवर जी से तू शादी कर ले। अगर वो राजी हो जाए तो शादी कर लूंगी। अरे तू इंटरव्यू पे गया था, क्या हुआ? दो दिन बाद लेटर आ जाएगा। खाक लेटर आएगा, इसे इंटरव्यू से ज्यादा घर के काम में दिलचस्पी है। हाँ, आपकी आदतें आ गई है। हाँ हाँ, मेरी आदतें तुझ में आ गई है, लेकिन तेरी आदतें तेरे बेटे में ना आए। नंदू, तू उस कमरे में क्यों जा रही है? दादी के पास सोने के लिए। अरे दादी के साथ तो सांबा सोया है। तो वो सिर्फ सांबा की नानी है, मेरी कुछ नहीं, मैं वहीं पर सोऊंगी। जीजा जी, नंदू डॉक्टर की पढ़ाई छोड़कर हर वक्त कंवर जी कहकर पीछे पड़ी रहती है, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। टेंशन की क्या बात है, दोनों की जोड़ी तोता मैना की लगती है। आप ठहरे लड़के का बाप, मैं लड़की का बाप हूँ, किसी दिन हार्ट अटैक हो गया तो। तू फिकर मत कर, नंदू बेटी मेरे घर की बहू बनेगी। फिर तो कोई टेंशन नहीं, जम के खाऊंगा। बुढ़िया कहीं की, दो जवान दिलों के बीच में सो गई है, इतनी भी अकल नहीं है इसमें कि बाथरूम में जाए, हमें मौका दे। मौका दे रही हूँ। कहाँ जा रही हो दादी? बाथरूम जाने के लिए कह रही थी ना। नहीं दादी, मैं भी तुम्हारी उम्र से इस उम्र तक आई हूँ, चल हट, मुझे कहानी मत सुना। कंवर जी उठो ना, कंवर जी मुझे एक और पप्पी दो ना। अभी कोई फायदा नहीं, अभी सोने दो। 12 बजे जब दादी जी सो जाएंगी उसके बाद हम दोनों मिलकर बाहर चलेंगे। बाहर नहीं। क्यों? मुझे डर लगता है कुछ हो गया तो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सच में कुछ नहीं होगा ना? ऊपर चलेंगे ना हम दोनों मिलकर, कुछ नहीं होगा। और अगर कुछ हो गया तो? भरोसा रखो, वैसे भी तो हम शादी करने वाले हैं ना। दादी, कुंवर जी चलो, कुछ होगा तो नहीं ना? कहा ना कुछ नहीं होगा, चलो। ए, चलो ना, आ जाओ। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अरे दादी, तुम अभी तक सोई नहीं। पता है मैं जा रहा था तो ये मेरे पीछे आ गए, मुझे कुछ नहीं पता। नाटक बंद करके चुपचाप सो जाओ। मार दूंगी। सो जा। इधर कैसे आए, रास्ता भूल गए क्या? खाना लाया हूँ। क्या पिताजी, आप टाइम पे आके खाना नहीं खा सकते? वहाँ दादी मेरा दिमाग खाती है, कह रही थी हफ्ते भर से खाना घर पे नहीं खाया। खाना खाने के लिए 20 किलोमीटर जाना पड़ता है, और रोज ही तो खाना खाते हैं, इधर जो भी मिलता है खा लेता हूँ। और आज तुम कॉलेज नहीं गए बेटा? अरे रोज तो कॉलेज जाता हूँ, आज कहीं भी पढ़ लूंगा। जीजा जी, ये आपको टिफिन पहुँचाने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़कर बैठा है, और इसके पीछे मेरी बेटी अपनी पढ़ाई, इन दोनों का कुछ नहीं होने। ज्यादा बोल रहे हैं मामा जी। सच तो है, तुम्हारी उम्र पढ़ाई की है, अगर एक बार उम्र निकल जाए तो इंसान चाह कर भी पढ़ नहीं पाता है, अफसोस करता है, पढ़ाई पर ध्यान दो। पिताजी आप पढ़ाई को इतना महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि मुझे उसका मूल्य पता है। मैं भी यहाँ के लोगों की तरह बम और तलवार लेकर घूमा करता था, पर तुम्हारी माँ बहुत पढ़ी लिखी थी, उसे पढ़ाई से बहुत लगाव था, वो पढ़े लिखों की बहुत इज्जत करती थी। मुझे सिग्नेचर करना सिखाने की बहुत कोशिश की तुम्हारी माँ ने। जब तुम्हारी माँ मुझे सिग्नेचर करना सिखा रही थी उस वक्त तुम अपनी माँ के पेट में थे, ठीक उसी समय तुम्हारी माँ के पेट में अचानक दर्द होने लगा और वो दर्द से गिर पड़ी। बेटा जल्दी से जाकर डॉक्टर को फोन करो। हम अनपढ़ लोगों को यह भी नहीं मालूम था कि 05 पर फोन करने से एम्बुलेंस घर पर आ जाती है। हम अनपढ़ लोग बस देखते ही रह गए। तुम्हारी माँ जो पढ़ सकती थी वो उस वक्त कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। तुम्हारी माँ को एम्बुलेंस में ले जाना चाहिए था, मगर हम उसे ट्रैक्टर में लेकर शहर गए। तुम्हारी माँ मरते समय ये बताकर गई कि इंसान के लिए पढ़ाई कितना जरूरी है। तुम्हारी इतनी सारी तलवारों में से कोई भी तलवार मेरी जान नहीं बचा पाई ना। अगर तुम्हारे हाथ में कलम होती तो एक पैसे वाला दूसरे को पैसे वाला नहीं बना सकता, लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान हजार इंसानों को पढ़ा लिखा बना सकता है। पैसा हाथ का मैल होता है, पर जितना पढ़ोगे उन्नति उतनी ज्यादा होगी। इंसान के लिए अन्नदान से भी बड़ा
महादान होता है विद्या का दान करना। अपने सभी लोगों को तलवार छोड़कर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, उन्हें समझाइए। मेरी ताकत और पैसा कुछ भी तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाया बेटा। आजकल तो लोगों ने पढ़ाई लिखाई को पूरी तरह बिजनेस बना लिया है। आजकल कॉलेज में लाखों रुपए देकर भी सीट नहीं मिलती। ये अमीर लोग जो काम आज तक नहीं कर पाए वही काम हमारे परिवार को करना है। अब मैं आपके साथ ही रहूंगा, यही काम करूंगा। तू यहाँ पर क्यों रहेगा? तेरी पढ़ाई खराब होगी। नहीं पिताजी, माँ ने कहा था ना, एक पढ़ेगा तो हजारों को पढ़ाएगा। अगर पूरा गांव पढ़ लिख गया तो देश की उन्नति होगी। चार फिट और खुदाई करेंगे तो ग्रेनाइट निकलेगा और बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। इससे आपका सपना पूरा हो सकता है। ये तो बहुत खुशी की बात है। नमस्ते समधी जी। नमस्कार। सुना है कि ग्रेनाइट निकला है? जी हाँ, अभी इंजीनियर साहब ने यही बताया है। इंजीनियर साहब ने तो आपको अभी बताया है, मेरे छोटे भाई ने तो बहुत पहले बता दिया था कि इस बंजर जमीन से जब ग्रेनाइट निकलेगा मेरे ससुर जी मुझे दहेज में देंगे। और जब आज इसकी बात सच हो गई है तो इसे जमीन मिलनी चाहिए। क्यों छोटे? हाँ भैया, इस जमीन की खुदाई पैसों के लिए नहीं, यहाँ के बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए किया है। देखिए आप इस मामले में मत आइए। देखिए समधी जी, इन गरीबों के लिए ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें दूर से ही खाना खिला दो तो आपके पैरों में पड़े रहेंगे, माथे का तिलक बना रहेगा और तन पे कपड़े रहेंगे। इनके हाथों में बम और तलवार देकर पीछे खड़ा रखिए, प्लेट और पेंसिल देकर साथ मत बिठाइए। सब तुम्हारी तरह सोचते थे, इसीलिए अंग्रेजों ने इतने साल राज किया, इतनी दुख और इतनी तकलीफें दी। लेकिन इसके बाद जब भारत में कई लोग शिक्षित होने लगे तो इस देश में कई कवि, कई कलाकार, कई साइंटिस्ट हुए, मगर उसके बारे में कोई बात नहीं करता। हमारे गांव के लोगों के हाथ में हथियार दे दिए गए। हमारे गांव की बेटी कोई ब्याहना नहीं चाहता, यहाँ तक कि देना भी नहीं चाहता। सामने वाला आदमी ये सोचता है कि वो इंसान से नहीं बम से रिश्ता जोड़ रहा है। बदलना चाहिए, ये सब बदलना चाहिए। इस जमीन से जो पैसा आएगा उससे यहाँ के लेबर्स के बच्चे पढ़ेंगे, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट बनेगा और देश का नाम रोशन करेगा। वैक्सीनेशन के बारे में सोचने वाले लोगों को एक न एक दिन यहाँ से निकलना होगा। तुम अकेले ही सब कुछ बदल दोगे? दुनिया जब शुरू हुई थी तो एक ही इंसान से शुरू हुई थी, और तूफान भी जब आता है तो एक ही छोटे से कण से शुरू होता है। माना आज हम अकेले हैं, मगर कुछ सालों बाद आप देख लीजिएगा हजारों लोग हमारे साथ होंगे। चाहे तो सारी जायदाद आप ले लें, मगर सपने नहीं, आप जा सकते हैं। नमस्कार। तुमने जो कुछ भी कहा वाकई में सच कहा, चलता हूं। नमस्ते। बेटा, हमने उन्हें बेटी दिया है, नरमी से पेश आना चाहिए था। इससे ज्यादा नरमी से बात करना मुझे नहीं आता पिताजी। ए, तेरे बाप को दामाद से ज्यादा गांव वाले प्यारे हो गए। सुन, जा और जाकर अपने बाप को बोल दे कि जमीन मेरे नाम कर दे। मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन अपने पिताजी से ये नहीं कहूंगी। बोल, जवान लड़ाएगी? ए, छोड़ी से पागल हो गया क्या? जान से मार देगा क्या? हाँ, बीवी से ज्यादा जमीन प्यारी है ना, तो बीवी के साथ घर मत बसा। मैं बसाऊंगा। नहीं छोटे, गलत बात है। मैं बसाऊंगा। ए, बोल, इसको गलत बात है। मैं बसाऊंगा। बोल ना। ठीक है। मुझे मारा तो? तू इंसान है या जानवर? हट जा, पीछे नहीं मार डालूंगा। अरे छोटे, गलत बात है। चल चल, तू इधर से चल। हाँ, इधर चल, चल ना तू। छोटे, गलत बात है।
ये क्या है जी, ये घर है या बाजार? अपनी भाभी पे बुरी नजर। तो क्या करेंगे, भाई गलती करेगा तो उसे मार देंगे क्या? तू ओवर रिएक्ट मत कर, उसका दिल तुम पर आ गया तो मैं उसे नहीं रोकूंगा। छोटी बहू मुझे माफ करना, मेरे सारे भाई लोग बिल्कुल निकम्मे हैं, इसलिए तो मैं उनकी शादी नहीं करवा रहा हूँ। ये तो तेरा पति थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, इसलिए तेरे बाप को बेवकूफ बनाकर शादी करा दी। इसीलिए बहू मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे घर में कुछ हो जाए। ऐसा करो तुम अपने महके चली जाओ, चली जाओ और पेपर्स पर साइन करवा के ले आओ। मारा ना जोक, खाना खाओ। घी और देना। अरे वाह दादी, और डालो ना। ओ दादी इतना घी मत डालो। और नहीं दादी, इतना घी खाने से हार्ट अटैक हो जाएगा। कोई अटैक वटैक नहीं होगा, दादी के हाथ का खाना खाया है मैंने। क्यों दादी, ठीक है ना? हाँ, मेरा प्यार। दीदी दीदी दीदी, तुम अचानक कैसे? मुझे फोन कर देती, मैं लेने आ जाता। बस यूं ही आप लोगों से मिलने को जी कर रहा था। जानकी हाथ मुंह धो लो, फिर आकर हमारे साथ खा लो बेटी। ये खाना दीदी बिल्कुल नहीं खाएगी। दीदी की मनपसंद का खाना मैं अपने हाथों से बनाऊंगा। दीदी 10 मिनट्स मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। ये छोटे चल। ये सब साड़ियाँ तुम्हारे रमानंद चाचा ने भेजा है, ये सब कलर तुम्हारे पे फपती है, जाते वक्त ससुराल लेकर जाना। कलर सिर्फ साड़ियों में है, इसके चेहरे पर नहीं, पूछो तो इससे क्या हुआ? बोलो बेटी। पिताजी शादी से पहले और शादी के बाद भी बेटी की अपनी किस्मत होती है, दादी तो यूं ही कह रही है। दादी, ए दादी। हाँ। ये देखो ताजा मुर्गा लेकर आया हूँ, अच्छे से मसाला डालना, मैं अपने हाथों से दीदी को खिलाऊंगा। क्यों, इसके ससुराल वाले इसे खाना नहीं खिलाते क्या? पिताजी ससुराल में जो खाना मिलता है उससे पेट तो जरूर भरता है, लेकिन मायके का प्यार नहीं। लो दीदी खा लो, खा लो, खा लो दीदी, ए खा लो, खा लो। अरे बेटा छोड़ना, ऐसे मुंह में मत डाल। क्यों, जब मैं छोटा बच्चा था तब ये कैसे खिलाती थी, याद है आपको? सांबा। अरे रे, क्यों जबरदस्ती ठूस रही है बेटी? क्यों पिताजी, माँ अगर जिंदा होती तो ऐसे ही खिलाती ना। तुम्हारे भाई के लिए तुम ही माँ की तरह हो बेटी, अपनी माँ को याद करके मुझे और दुखी मत करो, ठीक है बेटी? आदरणीय पिताजी और भैया, इधर जो भी होता है उसे पेट में छुपाना चाहिए, नजर नहीं आना चाहिए। पिताजी। बेटी क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है? नींद नहीं आ रही है पिताजी, क्या मैं आपकी गोद में सो सकती हूँ? बेटी सो जा। तुम आराम से सो, मैं जरा बाहर जाके आता हूँ। इतनी रात को कहाँ जाएंगे? एक छोटा सा काम है बेटी, अचानक याद आ गया, तू सो जा। अरे समधी जी, बेवक्त कैसे आना हुआ? बेवक्त बेमतलब मैं यूं ही किसी घर नहीं आता, मेरी बेटी के बारे में यहाँ बात करने आया हूँ। मतलब जानकी ने सब कुछ बता दिया? मेरी बेटी की आदतें ऐसी नहीं है कि वो ससुराल की बातें मायके में करे। बेवजह मेरी बेटी जब मेरे घर पर आई तो आधी बात मैं समझ गया, फिर जब मेरी बेटी ने कहा कि पिताजी मैं आपकी गोद में सोना चाहती हूँ, तो मैं समझ गया कि उसे पति का प्यार नहीं मिला। तुम्हारे लिए मेरी बेटी से महत्वपूर्ण वो जमीन हो गई, गरीबों को पढ़ाने का वादा करने वाला ये धर्मराज तुम्हें वो जमीन देने नहीं आया है। अपनी बेटी का उजड़ा हुआ घर बसाने और उसे सुखी देखने के लिए एक बाप यहां पे आया है।
पेपर्स लिख कर देता हूँ, रजिस्टर करवा ले। अरे छोटे पेपर लेके आ, उसे कॉल आने को। अरे तू जाके लेके आ। ठीक है। जानते हैं समधी जी, हमारे पिताजी बहुत ही चालाक थे। उन्हें पता था लड़कियों को जन्म देने से तकलीफ होगी, इसलिए लड़कों को जन्म दिया। बेटी के लिए कष्ट उठाने में एक अलग ही आनंद है। कष्ट करना होगा, इसलिए कोई बाप बेटी ना चाहे वो मेरी नजर में बाप नहीं है। अरे मुझे नहीं, अपने दामाद को दीजिए। अरे ले ले, ससुर दे रहे हैं। ये लो, कन्यादान किया है इन्हीं हाथों से मैंने अपनी बेटी का। आज उन्हीं आंखों से आंसू बहाया है तुम लोगों ने। अच्छा चलता हूं। नमस्ते। जिंदगी में पहली बार अपने वादे से फिर गया हूं पिताजी, और यही आखिरी बार होना चाहिए। पिताजी! चाचा जी, जानकी और मैं सगी बहनें तो नहीं थी, पर सगी जैसी थी। इसे जन्म जानकी ने दिया, पर मैंने पाला है, इसीलिए मैं इसे लेकर जाना चाहती हूँ। लेके जा बेटी, उस नरक से कम ये तो वहां तुलसी पत्ते के समान रहेगा। जानकी क्यों मरी ये जानने के बाद भी मैं चुप क्यों बैठा हूं तुम्हें पता है? अगर सांबा को इस बारे में पता चल गया तो ना जाने कितनी लाशें गिरेंगी, इसी का डर है मुझे। अपने पति से कहो के इंसान बनकर रहे। आइए आइए पधारिए, ये हैं बाबू सेठ, अमृतसर से पत्थर खरीदने आए हैं। इससे पहले रेती, पत्थर का चूरा, खराब पत्थर सब इन्होंने खरीदे। नमस्ते। नमस्कार। ये हमारे साहब पशुपति जी। क्या पशु? पशुपति यानी एनिमल का नायक। क्या बकवास कर रहा? यानी पशुपति, इंग्लिश में बता रहा था। ये रहे आपके 25 लाख एडवांस। अरे ले ले, 25 लाख मतलब 25 लाख ही है ना? अभी 25 लाख रुपये दे रहे हैं ना, रख लीजिए। ठीक है सेठ जी, अगली बार जब आप आए तो पूरा पैसा देकर अपने साथ पत्थर ले जा सकते हैं। नमस्कार। नमस्ते। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आदमी है। हम लोग बुरे हैं क्या? छोटी मालकिन, चाहिए पिताजी, अभी कोई अपना भी सामने आया तो उसे भी हटा दूंगा। ऐसे मुंह क्या लटका रखा है, इधर ध्यान दो। हाँ, अरे भागो। जिस भाभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए उस पर पूरी नजर रखना। क्या
अरे वो तो आपकी ही तरफ आ रहा है, चलो खिसक लो। जायदाद के लिए तुमने मेरी जिस बहन पर अत्याचार किया वो सिर्फ मेरी बहन नहीं थी, माफ कर दो, मेरी माँ थी। तेरी पत्नी को देखता हूं तो अपनी माँ की याद आती है, इसलिए तुम्हारी जान बख्श रहा हूं। आइंदा इस जमीन की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तेरी आंखें और तेरे पैरों के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, समझे? अपनी आदतें बदल ले, जान बची रहेगी। भाग! मैंने चाहा था मेरा बेटा राम बनकर जिए, रावण जैसा राक्षस बनकर नहीं। राम के भी युद्ध करने के बाद लोगों ने उसे भगवान का दर्जा दिया था। राम ने अपनी सीता के लिए युद्ध किया था और मैं आपके वचन के लिए युद्ध करूंगा। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, उसे साकार करना पड़ता है, हथियार उठाना पड़े तो हथियार उठाना चाहिए, और आज मैं हथियार उठाऊंगा। मालिक मालिक सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है, अब घबराइए मत। चलिए उठिए, खाना खा लीजिए। मालिक मालिक सब ठीक हो जाएगा, देखिए कोई टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अभी लाता हूँ दूध में हल्दी। जेल के कैदियों के लिए खाना डाल के जा रही है क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है। नहीं है लेकिन मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। मैं एक छोटे से बच्चे से बुरी तरह से हार गया, ये तेरी आंखों में मुझे साफ नजर आ रहा है। देख देख देख, सांबा ने कुछ गलत नहीं किया। सांबा ने कुछ गलत नहीं किया? बोल बोल फिर बोल। तो मेरी आंखों के सामने मेरे दो भाइयों को मार डाला और तू है कि उसका पक्ष ले रही है। देख इसे, देख इसे, इसको रोना चाहिए लेकिन ये है उसी का पक्ष ले रही है। जान से मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अरे देख देख मेरी आंखों में है, मैं कार दिखता हूँ, कार दिखता हूँ। मालूम है तो पूछ कर क्यों कन्फर्म कर रहा है ये? क्या बोला तू? मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला उधर मार खा के आया तो क्या इधर बीबी को मार कर मर साबित कर अपने आप को, यही बोला ना? तेरी नजरों में चाहे मैं कायर ही सही। मार दो सबको। ए, विद्यालय का मतलब होता है देवालय। यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और तुम लोग पत्ते खेल रहे हो, कमीनो। हवा भरने से कुछ नहीं होगा, इनकी हवा तो पहले ही निकल चुकी है। बीपी थोड़ा हाई है। बीपी तो बढ़ेगा ही इनका, यूपी में सभी मंत्रियों से सबसे ज्यादा बीपी इनका ही है। अभी अभी मौत का मुंह देखकर निकले है ना, जान बच गई। क्या बॉडी है इनकी, बॉडी ने बचा लिया। भाई हम लोग तो अब तक सफारी में घूमते थे ना, उसने 6 सफारी मंगवा ली। तो उनके यहाँ ड्राइवरी करे का? ए, आज के बाद किसी ने शराब बेचने की या पीने की हिम्मत की तो जान से मार दूंगा। हेलो, एक मिनट भाई। सेठ जी का फोन है, क्या बोले उनको? हम ही मैनेज करते हैं। सेठ जी वो नहीं है, ऊपर चले गए। नहीं नहीं नहीं, वो ऊपर नहीं, छत पे चले गए हैं, थोड़ा होल्ड करो। ठीक है, उसकी भाषा ना मैं समझता ना वो मेरी भाषा समझ रहा है। आप ऊपर चले गए, वो समझा कि आप स्वर्ग चले गए, फिर बताया उसको कि आप छत पर गए। आहा, बड़ा स्मार्ट लग रहा है। ये फोटो देखकर आपको कैसा लग रहा है?
तुझे कैसा लग रहा है? बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ। तो मर जाके। मैं क्यों मरूं भला? मैं आपकी जगह होता तो अपने आप को उसे मारने नहीं देता। मतलब हम आत्महत्या कर लेते हैं? अरे अरे क्या करते हो? क्या करता है? अपनी जुबान पे समझा। जोशी ने कहा था कि तू मेरे पास रहेगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, इसलिए तुझे जेल रहा हूँ आज तक। थैंक्स। आपको नहीं, जोशी को। ए धर्मा के साइन करो पेपर अपने पास है ना, उसे जल्द से जल्द अपने वकील से नोटिस भिजवा दो, अपने आप रास्ते पे आ जाएगा। बातें करने के बजाय आंखों से इशारा करते हैं, मुंह से तो बोलो। ए, नोटिस क्यों भेजा रहे? क्यों भेजा? तेरे बाप ने जो लिख कर दिया था उसके बारे में नहीं बताया? वो लिखने वाले कौन होते हैं और लिखवाने वाला तू कौन होता है? ये मेरे दादा की जायदाद है और दादा की जायदाद पे हमेशा पोते का हक होता है, ये तुम्हारे वकील ने नहीं बताया? सेक्शन 136 के मुताबिक। अरे काले कोट वाले, तेरे जुबान की बहुत कीमत होती है, सोच समझ के बोल, नहीं तो जुबान काट दूंगा। समझ गया ना सांबा? तू भूल रहा है कि तू कहां बैठ के बात कर रहा है? तू मेरे गांव में, मेरे सामने, मेरे घर में, मेरे आदमियों के सामने बैठकर बात कर रहा है। सब कुछ तेरे पास होने के बाद भी ये पूरा राज्य मेरा है, और अगर मैं चाहूं तो तेरे गांव में, तेरे घर के अंदर, तेरे लोगों के सामने जिस कुर्सी पर बैठा उसके नीचे तेरे लोगों को मारूंगा। ये नोटिस वोटिस की उल्टी सीधी हरकतें छोड़ और शराफत से जी, वरना चला कर राख कर दूंगा। चलता हूं। ए सांबा, अगर तेरा सर काट कर अपने दरवाजे पर नहीं लटकाया ना तो मेरा नाम भी पशु। ताल ठोक कर मुझे चैलेंज मत करना वरना जांग और हाथ काटूंगा। नीचे कर, नीचे कर। अपनी आदतें सुधार, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, तीसरी बार नहीं कहूंगा, मार डालूंगा। मौत बहुत करीब से देखा लगता है ना? हाँ, ऐसे घूर के डराने की कोशिश मत करो, दरअसल आप भी तो डर गए थे ना, क्यों बेवजह उससे पंगा ले रहे हो, मेरी बात मान लो। अच्छा किया जो उसके कहते ही हाथ नीचे कर लिया, वरना कसाई जिस तरह से मटन काटता है ना, वो आपको काट डालता। आओ ना। मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? कपड़े उतारो। कपड़े उतारो किस लिए? अरे मैं कल जा रही हूँ ना, जाने से पहले आपको अच्छी तरह से नहलाकर आपकी नजर उतारनी है। पागल हो क्या? डॉक्टर बन रही हो और नजर उतारने की बात कर रही हो? मैं डॉक्टर हूँ लेकिन पेशेंट के लिए, तुम्हारे लिए तो प्रेमिका हूँ। लेकिन कल तुम्हारी फोटो जब पेपर में आई थी ना, तो कॉलेज की सारी लड़कियाँ उसे देख देख कर चूम रही थी, मुझे पता चला है। फोटो पर इसने किस किया, उसने किस किया, तुम औरों की बात करती हो, तुमने तो कभी किस नहीं किया। क्या करूँ कुंवर जी, मेरा तो कभी कभी मन भी होता है, लेकिन वो दादी है ना। अभी तो दादी नहीं है ना, दे दे किस। करूँगी किस, लेकिन जरा प्यार से बोला। सॉरी नंदू, प्लीज मुझे किस दो ना। अभी नहीं कमर जी, प्लीज। रात को दूंगी। रात को फिर से दे देना, अभी एक दे दो ना। नहीं कमर जी, प्लीज दे दो। नहीं कमर, दे दो ना। नहीं कमर जी, दे दो, दे दो। मेरी सासू की छोकरी, हुस्न है तेरा फल की टोकरी, आंख अंगूरी, होठ है चेरी, ओ गोरी, ओ गोरी। तेरे नाम लिख दूं अपना, दीवाने तू देखना, यू दिन में सपना, कर ले बुकिंग मेरी, मैं हूँ आशिक पहला, सोच की ऐसी बातें ना दिल को बहला। ओ मेरी सासू की छोकरी, हुस्न तेरा फल की टोकरी, आंख अंगूरी, होठ है चेरी, ओ गोरी, ओ गोरी, ओ गोरी।
से तू हो गई है जवां, होश मुझे जानम है कहां, शाम सवेरे दिल पे मेरे छाया तेरा नशा। ओ पागल छोरे तू पता मैं हसीन हूँ, मेरे क्या पता तुझे से ना। जा दिल पे तेरे नाम लिख दूं अपना, दीवानी तू दिखना यो दिल में सपना। कर ले बुकिंग मेरी, मैं आशिक हूँ पहला, सोच की ऐसी बातें ना दिल को बहला। नंदू, खोलो। कौन है? खोल रही हूँ। नमस्ते माता जी। नवसांबा है क्या? नहीं है, वो बाहर गया है। तो फिर धर्मराज जी तो जरूर होंगे घर पे। नशे में उससे क्या बात करोगे? पीकर बात करने नहीं आया हूँ माता जी, बात करनी है इसलिए पीकर आया हूँ। है क्या समझे जी? समझे जी? समझे जी? अरे समझे जी, मुझे माफ कर दो समझे जी, माफ कर दो। लक्ष्मी जैसी बेटी को आपने हमारे घर भेजा था, पर हमने उसे अपने हाथों मार डाला। उठो उठो उठो। क्या सोचा था मैं पी के आया हूँ? मुझे आदत नहीं। इधर तू मेरे हाथों से मरेगा और उधर मेरे भाइयों के हाथ से सांबा। देखो डरो मत, बाहर जाओ कुंवर जी, कुंवर जी। मुझे माफ कर देना बहन। Enjoy
जान ताकतवर हो उसे दिमाग से मारना चाहिए, ऐसे मारना चाहिए उसे। अरे ए बुढ़िया, तुझे भी नहीं मारूं क्या? आज पक्के नहीं जा पाए। भगवान, तेरी क्या लीला है, इन सबको अपने पास बुलाने के लिए तूने मेरा इस्तेमाल किया, ये अन्याय है। ची, चले, तूने जो काम मेरे जिम्मे लगाया था मैंने कर दिया। कुछ कुछ नहीं बोल रहे हैं, काम हो गया ना अभी है? चलो नहीं चाहती, मुझे बचाना। नंदू तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नंदू अपने आप को संभालो। नंदू पकड़ो उसे, भाग ना पाए। नंदू नहीं, हमारा घर शमशान बन गया। पिताजी, 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 पिताजी। इतना सब कुछ कैसे हो गया? वो मैं, इतना कुछ होने के बावजूद भी कोई गवाह कोई सबूत नहीं मिलेगा, इसलिए कोई केस बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पर एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, He's a cold-blooded bastard. अच्छा, मैं cold हूँ और वो सांबा हिट है। Cold-blooded bastard का मतलब बहुत बुरा आदमी होता है भाई। हाँ। तुम सब बाहर जाओ। हम बाहर क्यों जाए, हमने अंदर आने की रिश्वत दी है। रिश्वत? हाँ, बाहर हवलदार को दी है ना, पूछ लीजिए ना इनसे। हाँ? सर, सर वो शर्म आनी चाहिए तुम्हें, पहले इसे बाहर भेजो। चल चल बाहर। बाहर निकालोगे तो वो मुझे मार डालेगा, एक पेटी और देता हूँ ना तुमको। hey, तेरा दिमाग खराब हो गया। रिश्वत नहीं ली क्या, तूने भी तो ली है। चल तू उधर चल। सर, हम दोनों को अरेस्ट भी कर लें तो दोनों बेल लेकर दोबारा लड़ बैठेंगे। तो आप बोलिए क्या करें। इन दोनों को एक साल के लिए शहर से तड़ी पार कर देते हैं, इस शहर में देखने पर शूट ऑन साइट का ऑर्डर पास कर देंगे। एक साल के बाद एक दूसरे को नहीं मारेंगे, इसकी क्या गारंटी? हो सकता है सर आज का गुस्सा महीने, छह महीने या साल भर में पूरी तरह से खत्म हो जाए। सर आपका विचार तो सही है, पर क्या दोनों बाहर जाएंगे? जाएंगे सर, ये डर से और सांबा जिम्मेदारी की वजह से मैं दोनों को मनाऊंगा। कमिश्नर साहब वो आ गए। पशुपति, पशुपति,
है पशुपति। ये पुलिस कंट्रोल रूम है, अगर यहाँ कुछ हुआ तो तू जिंदगी भर के लिए बाहर नहीं जा पाएगा। शांत हो जा, शांत हो जा सामा। जल्दी से चली लेके आओ। यस सर। अरे बाप रे, अब तक तो सुना था कि शेर चीते को जाल से काबू में करते हैं, अभी सामने देख रहा हूँ। आपका टाइम अच्छा था, शेर को काबू में पा लिया, नहीं तो राम नाम सत्य था आपका। तुम अपने पिताजी का नाम रोशन करोगे, कहा था ना, तुम्हारी फैमिली को अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो जेल जाओगे और तुम्हारी जिंदगी बेकार हो जाएगी, समझे? सर, मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए, उसे मेरे हवाले कीजिए, मैं दबा डालूंगा। सांबा, मेरी बात सुनो, लॉ एंड ऑर्डर को मान कर, तमाम बातों को भुला कर, इस शहर के बाहर कहीं और चले जाओ। अचानक बोलेंगे कि छोड़ के चले जाओ तो मैं कहाँ जाऊंगा, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। भाग चलते हैं, वरना हलक से जवान निकाल लेगा, अमृतसर वाले सेठ के पास चलते हैं। भाई, मेरे हिसाब से चले जाना चाहिए यहाँ से, यही सही है, बाकी बाद में देखेंगे। मैं तुम्हारे पिताजी की उम्र का हूँ, जो बोल रहा हूँ सुनो, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, समझने की कोशिश करो। एक को मार कर अपना बदला पूरा करोगे या 100 को बढ़ा कर अपने बाप का सपना पूरा करोगे, यही सोचने के लिए एसपी साहब ने कहा। कोर्ट ने दोनों को ऑर्डर दिया कि वो 1 साल के लिए इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाए। सारे फसाद की जड़ उस जमीन को सरकार ने सील कर दी। कोर्ट के आदेश का मान रखते हुए हमने सांबा को दूसरे शहर भेज दिया। चलता हूँ मामा जी। राम के वनवास जाते वक्त वहाँ के जनता को क्या दुख हुआ था वो तो मैं नहीं जानती, पर सांबा को दूसरे शहर भेजते समय यहाँ के जनता के आंखों में मैंने दर्द देखा है। वो जनता आस लगाए बैठे थी कि सांबा आएगा और उनके दुखों को दूर करेगा। सांबा आया पर जनता को आंसू भी मिले। दादी माँ, कुछ लोग घर का नाम रोशन करते हैं, कुछ लोग कुल का नाम रोशन करते हैं, पर सांबा अपनी जगह का नाम रोशन करेगा। संदेह, तुम यहाँ पर? मैं सांबा को जानती हूँ। मतलब? प्यार करती हूँ, उसी से शादी भी करना चाहती हूँ। सांबा से शादी करोगी तुम? ये कैसे हो सकता है? मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी शादी कराओ, मैं खुद कर लूंगी। ससुर जी, ससुर जी, अरे कहाँ है? अरे ससुर जी, भूल गए क्या? यही पांव धोकर अपनी बेटी का कन्यादान किया था, अरे याद है कि भूल गए? तुम भी भूल गए या तुम्हारी बेटी भी भूल गई है? अरे लक्ष्मी, लक्ष्मी, अरे ये क्या हुलिया बना रखा है क्या है? अपने पति को मरा हुआ समझ लिया क्या? सोचा था तुम मर गए होगे, सामा ने कहा था वो तुम्हें मार डालेगा। अरे अरे अरे, देख इसे देख, अरे पति के होते हुए विधवा के कपड़े पहन लिए। आप रहो न रहो से क्या फर्क पड़ता है, मालकी ने तो अपनी बात आखिर रखी दी। आपका तो कोई चरित्र है ही नहीं, उनका तो कम से कम रहने दो चरित्र। अरे तेरी बेटी ने अपनी मांग का सिंदूर मिटा डाला, तुझे बुरा नहीं लगा? सिंदूर पोंछ कर गलती नहीं की उसने, मांग में सिंदूर भरवा कर गलती की, और जो गलती की थी वो उसने सुधार ली। कोई भी औरत अपने पति को कायर तो बर्दाश्त कर सकती है, पर तेरे जैसा जल्लाद नहीं। जा जा, फिर से इस गांव में कदम मत रखना, समझे? क्या तेरा गांव क्या कोई नजदीक में है जो मैं इधर उधर बार बार आता रहूंगा? देखो, सांबा मरा नहीं है, वो शाणा अभी तक जिंदा है, उसे मारे बिना मैं जी नहीं सकता हूँ, और उसे मारने के लिए जो पैसे देगा वो तू देगा। पैसे मैं क्यों दूंगा? तू पैसे वाला, इसलिए। पागलों जैसी बातें की तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। क्या बोला? तुझे बुलाने की जरूरत नहीं, मैं खुद बुलाता हूँ। ए प्रसाद, तुझसे जो पैसे मांगे थे ना, इसी को देने। अरे अंदर जाके तुझे ही तोड़ दे, पैसे निकाल लो ना, जाओ और इसे भी अंदर बंद कर दो। पैसे मिल गए। ए प्लान बता। गौर से सुनो, सांबा कल सुबह उसे तोड़ने जा रहा है जिस जमीन को सरकार ने सील कर दिया है।
उसके घर से वो जमीन 45 किलोमीटर दूरी पर है, यानी अपने घर से वहां तक पहुंचने में सांबा को 1 घंटा लगेगा। उस जमीन से 2 किलोमीटर पहले ही हम जाल बिछा देंगे जो ऑलरेडी तैयार है। लैंडमाइन ब्लास्टिंग संबंधित और एक स्पेशलिस्ट भी पास के गांव में रहता है जो फिलहाल सब जेल में है। मैं आज रात को ही उसे बाहर निकालूंगा। हमारी आंखों के सामने से जारी सफारियों को वो हमारी आंखों के सामने उड़ा देगा। कहते हैं भगवान कई रूप में आता है, हमारे लिए यूनिफॉर्म में आया। इधर 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 सुन रे, इसको भी अपने साथ ले चल, ये अपने काम ही आएगा। सुनो शशि भाई, गाड़ियां कहां से आएगी? उस रूट से आएंगी। ए कालू जी, पेटी लेकर आ। ठीक है भाई। ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ऐसे ही वक्त बारिश हो जाए और सारे बम भीग जाए तो परिस्थिति क्या होगी? चुप, कुछ भी बोलता रहता है, इतनी तेज धूप हो रही है, बारिश कहाँ से आएगी? हाँ अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, मैं जब भी बोलता हूँ अच्छे के लिए बोलता हूँ। अच्छा, तूने अपनी जिंदगी में मुँह से अच्छा निकाला है। ऐसे निकलेगा, आसपास के लोग भी तो अच्छे होने चाहिए। काशीगंज के मेले में यही मटेरियल यूज किया था। मेले में तो कुछ हुआ ही नहीं, लगता है सामान का भी कुछ नहीं होगा। चुप, बकवास कर रही है, हटा इसको जी, ले जा इसको। हम लोग उधर चलते हैं। चलो, तुझे उसे बोलने की क्या जरूरत थी? उसको बोल रहा था, आपको क्या तकलीफ है? चलो आप। अरे जरा सा जोक मारा था, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? तेरे जोक की तो जोक सबको समझ में थोड़ी आता है, अपने लोग पास दिमाग कहाँ है? हेलो, घर सफारी में निकला है? हाँ। तीसरी सफारी में है। अरे वो घर से गाड़ी से निकल चुका है, अरे तीसरे नंबर की गाड़ी क्या में हो रहा है पशुपति? अरे यार इसे समझाना तो बहुत बड़ा टेंशन है। मैं समझाता हूँ। हाँ। कुछ नहीं सेठ, सांबा हाँ। आ रहा है ना, इसको कुछ कुछ होता है। हाँ। ये क्या, इतनी गाड़ियाँ हमारी? किस लिए? आप चुपचाप देखते रहिए एसपी साहब। हेलो, गाड़ियाँ 6 से 12 हो गई है भाई। क्या? वो छठी गाड़ी में है। अरे शशि भाई चुप। अरे शशि भाई सुनिए, अब 6 से 12 गाड़ियाँ हो गई हैं, अब वो छठी गाड़ी में है। चुप, मालूम है मुझे, भाग यहाँ से, दफा हो जा, जाओ। अरे क्या रे, इस मुसीबत को कहाँ से पकड़ के लाए? मुसीबत नहीं, हमारी मुसीबत टाल रहा है। अरे फालतू में उसको टेंशन क्यों दे रहे हो, ऐसे डिस्टर्ब मत करो, उसे काम करने दो। ये क्या हो रहा है? अरे ये प्रसाद 10 लाख और हमसे ले ले और इस सेठ को भी उड़ा दे, बहुत बकवास करता है। क्या क्या, तेरा ससुर मर गया, चुपचाप बैठ। एसपी साहब, अभी आगे 12 गाड़ियां और मिलेंगी, आप टेंशन मत लीजिए। आने वाली है आपकी तो मौत, ये गाना आपने लिखा है ना? फोन उठाओ, फोन आया। हेलो भाई, 12 गाड़ियों से 12 24 हो गई क्या? हाँ भाई, ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी गाड़ी में है। अरे शशि भाई, बहुत बड़ी टेंशन हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा, अब वो 24 गाड़ियों में आ रहा है। इतनी सारी गाड़ियाँ, ये तो पता नहीं कौन सी गाड़ी में, अब आप ही कुछ करो। डरने की कोई बात नहीं है, अपने पास माल काफी है, सारी गाड़ियाँ उड़ जाएगी। बहुत अच्छे, तुम लोग तलवार लेकर खड़े हो जाओ, वो बच गया तो हमें उसे मारना होगा।
जल्दी उड़ा उसे। उड़ा उड़ा दे उसे। अरे ये क्या हमारी ही गाड़ियां उड़ गई? बम फेंकते हो तब फटता है, मैं देखता हूं तो फट जाता है। क्या सोच रहे हो, मेरी गाड़ी की जगह तुम्हारी गाड़ी कैसे उड़ गई ना? सांप को निकालने के लिए सपेरे की जरूरत पड़ती है और तुम्हें निकालने के लिए इसका सहारा लिया। प्रसाद, शशि रेड्डी, क्या दिमाग पाया? हमसे गाड़ी उड़वाने का प्लान करवा के हमारे ही आदमी को अपनी तरफ मिला के हमारी ही गाड़ी उड़वा दी। तू लोगों के सहारे जीता है और मैं लोगों को सहारा देता हूँ। तू चाहता है सब मरे और मैं चाहता हूँ सब पड़े। हमेशा झूठ के सामने सच की जीत हुई है, समझ ले ये बात। एसपी साहब, इसका क्या करूँ मैं, बोलिए क्या करूँ? मार डालो। ए, तू कैसा पुलिस वाला? पुलिस होने के नाते नहीं, इंसान होने के नाते बोल रहा हूँ। पढ़ाई के चक्कर में तेरा बाप मरा, तेरी बहन मरी, परिवार मरा, अब तू मेरे हाथों से मरेगा और तेरी जमीन पे मैं कब्जा करूंगा, समझे? होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, साथ रहेंगे तो अच्छा होगा, जोशी ने कहा था, वो आपके लिए नहीं मेरे लिए अच्छा होगा, कल अगर जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे। अच्छा चलता हूँ, नमस्ते। अरे अरे कहाँ जा रहा है?
देखिए पिताजी, आज मैंने आपके सपने की लाज रख ली है। आज मैंने इन लोगों को वैक्सीनेशन से उबार लिया है। कल तक जो अंधविश्वास की बात करते थे, आज से पढ़ाई की करेंगे।